मोनू यार बड़ा परेशान करे हैं घर के, कुछ समझ में नहीं आता यार, का कीन जा का न कीन जा, काम धाम आ कुछ कह नहीं पाते हैं। अब बस फायदा तो टाइम जात है और घर के ऊपर से तंग करते, कुछ बताया उपाय? सोनू तो कहा तो ठीक है, तो मो हिसाब से फिर बाहर चला जाए, कहीं कमावा धमावा जाते हैं, का कहा था या कम तू कुछ बताता हूँ। ठीक है फिर चारों जने बना लिया सब विचार विमर्श, फिर चली बा है तो अब जाएंगे का परी घर में, जब बसर नहीं है तो कुछ ना कुछ करें खातिर, चले का परी निकले का परी, सगारे का प्रोग्राम बनावा जाए। ठीक है कहे अभी देखते का कहा था, ठीक रही कहे यार कहा चलब चला, यही दिशा में चली पूरब दिशा में, समझब जाऊं शहर गांव मिली तो होने काम धाम ढूंढब, करब कुछ दिन फिर का करब, कुछ ना कुछ तो करबे करब, चला चली था घूम आई कुछ दिन करब तो वहा ठीक है। ये तालाब मिल गया तो थोड़ी नहा धो ले बढ़िया से फ्रेश हो जाए, नशा पत्ती हो जा फिर आगे समझब, ये तालाब बढ़िया नदी मिल गए तो एक मन नहा धो ले, स्नान पूजा पाठ हो जा जौन हो गो समझब आगे। ये साले है कौन मुझे, मेरे हिसाब से परदेसी है, चारों आए हुए हैं यहाँ और ये नहा रहे हैं तालाब में बिना पूछे आछे, ये सरकारी तालाब है पता नहीं कौन है जाना, चलो आज क्या हो ना हो मैं इनके सालों के कपड़े ले जाऊं जो सामान है इनके जेबों में। तो कपड़े क्या लेना है देख लेता हूँ, जो जो सामान है इनके जेबों में तो देखूं तो देखा, अरे ये तो साला 700 रुपए भरे हैं, गांजा चरस भी भरे हैं, नशा भी भरे हैं, चलो ले लेता हूँ इनका और लेके चला जाता हूँ देखेंगे। यार कौनो कपड़ा छुआ है कहा हम आया, रुपया भरे रहे हैं मां रुपया गायब है, देख भाई यार मोनू तोरो का कसत है हाल चाल। मोरो गायब है यार, यार मोरो गायब है भैया यार, अरे मोरो जेब में नहीं है यार, को लीने आते है लीने का को लीने और बतावा का कसत है, ये बेचारा सोचा बेचारा करा को ले गया यार, तो बड़ा दाम था यार। भैया जो लेने आया था जो हमारा सामान लेके गया था तो मेरे हिसाब से वो घुड़सवार था, अगर वो घुड़सवार था तो फिर जरूर वर्दीदार था, वर्दीदार था वो, अगर घुड़सवार था वर्दीदार था तो फिर जरूर टोपीदार था, टोपीदार था जरूर, अगर वह घुड़सवार था वर्दीदार था टोपीदार था तो तुम यार ये कह नहीं कहते कि वो थानेदार था, चलो चलो यार थानेदार ने हमारे साले ने चोरी कर लिया यार, ऐसा भी कभी होता है थानेदार बताओ हम लोगों का सामान चुराने लगा, चलो थाने के पास थानेदार के पास चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो यार चलो चलो थानेदार के पास चलते हैं, थानेदार ने बताओ चोरी करना कब से सीख लिया है, ये तो यार इस गांव के बड़ा समस्या है इस शहर का यार, ये थानेदार चोरी करता है, चलो अरे चौकीदार कहाँ तुम्हारे थानेदार, तुम्हारे थानेदार ने हम उन लोगों का सामान चुराया है, चोरी करता है तुम्हारा थानेदार, पकड़ाओ मैंने चलो मिलाओ हमें थानेदार से, कहा तुम्हारा थानेदार, थानेदार साहब साहब बाबू जी इधर खाई चार जने तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाओ थी, कहती तुम सामान चुरा के लाए हो इनका, बाबू जी इन्हें डावो तो अंदर, साइन कर सार झूठ मूठ को बताते हैं गलत, इनको शर्म नहीं लगती, तमीज नहीं बात करने का, डरते नहीं है पुलिस वालों से, बताओ सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं। किस आधार पे कह रहे हो तुम कि हम तुम्हारे सामान चुराए हैं, तुम्हारे जेबों को खंगाला है, तुम्हारे जेबों का झारा दिया है, किस आधार पर कह रहे हो बताओ? साहब हम लोग तुकबंदी लगाते हैं, हमारा तुकबंदी कभी गलत नहीं होता है, हम तुकबंदी लगा करके पूरी तरह से बता देते हैं कि किसके किसने क्या किया है कौन सा काम किया, जो भी हमें विचार करना है हम चारों लोग तुकबंदी लगा करके उसका जरूर बताते हैं,
अगर आपको यकीन ना हो तो आप कुछ ना कुछ सामान लेकर के अपनी जेब में आ जाइए, तो हम आपका जरूर बताएंगे कि आपके हाथ में क्या है। ठीक है, अच्छा मैं अभी सामान लेके आता हूँ, कुछ ना कुछ जेब पे हाथ पे। तुम लोग अगर सही बता दिए तो मैं मान जाऊंगा, अगर झूठ बता दिए तो सालों समझ लो मैं चारों को जेल पे डाल दूंगा, ये समझ लेना। बताओ अच्छा मेरी जेब पे क्या है, क्या है मेरे जेब के हाथ पे? जो आपके जेब के हाथ में है वो तो गोल मटोल है। अगर गोल मटोल है तो फिर वो लाल लाल है। अगर वो गोल मटोल है, लाल लाल है, तो फिर वो दानेदार है। अगर गोल मटोल है, लाल लाल है, दानेदार है, तो फिर वो 100% दानेदार आपके जेब के हाथ में अनार है। आप निकाल के दिखाइए हमको, आपके जेब में अनार ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो बंदी लगाते हो, ऐसा करो तुम हमारे यहीं थाने पे ही रहो, हम तुमको काम देंगे, तनख्वाह देंगे, पैसा देंगे, ऐसे ही बड़े बड़े खाते पीते रहो, जो भी काम जब कभी पड़ेगा हम तुम्हें देते रहेंगे, और मस्ती से रहो, बहुत काम के आदमी हो तुम लोग, ठीक है, यहीं पड़े रहो। ओके, बाय बाय।